अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे, एक केस स्टडी करेंगे कि एक कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो उसका फेलियर क्या क्या रीजंस थे, तो उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे जिद्दा टावर दुबई का, जो कि टालस्ट कह सकते हैं आप, वो है हाई राइज बिल्डिंग्स में आता है, तो इसको भी स्टडी करेंगे कि इसका जो है स्ट्रक्चर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें देखने के लिए होती हैं। तो पहले तो देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ट्विन टावर, तो उसका जो फेलियर का रीजन थी उसमें क्या हुआ था। 9/11 में प्लेन हिट हुआ था और फायर स्टार्ट हो गई थी, जो उसकी वजह से वो फेल हो गया था, वो गिर गया था, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी उसमें, काफ़ी अफसोसनाक वाक्य हुआ था। इसके लिए ये था कि इसमें एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, ठीक है, लेकिन उसमें एक आई मस्ट से स्ट्रक्चर इंजीनियर को शायद उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी देर के लिए उस पर जो है वो फायर जो है वो लग सकती है। उन्होंने देखे ना वो 1 से 1.5 घंटे के लिए, और उन्होंने कोई फायर के लिए रेजिस्टेंस के लिए पहले तो उन्होंने जो गलती कह सकते हैं आप, क्योंकि अब तो हुआ क्या हो गया, उसके बाद गलती कह सकते थे, क्योंकि उनका वहाँ पे ट्रेंड था बिल्डिंग्स बड़ी बनाते थे तो उसमें वो स्टील फ्रेमिंग यूज़ करते थे। उसका जो फ्रेम बनाते थे वो सारा स्टील का होता था, और स्टील प्लस वुडन, ठीक है, वुडन की शीट्स लगाते थे और उसके साथ स्टील फ्रेमिंग करते थे, उस पर शीशे की वो पैनलिंग करते थे। तो ये उनका ट्रेंड चल रहा था, और वो जो कि उनके लिए आसान और सस्ता और अच्छा हाई खाल था बिल्डिंग को बनाने का, तो वो इस तरह हाई राइज बिल्डिंग बनाते थे। तो उस वाक्य के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा। उसमें सबसे बड़ी बात जो सीखने की उनके लिए थी कि स्टील फ्रेमिंग जो है फायर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो इतना कारामद नहीं होता, तो RCC आपको हेल्पफुल रहती है इस मामले में। तो RCC का स्ट्रक्चर उनको उस वक्त जो है वो समझ में आया कि अच्छा है। तो इसमें एक्चुअली उनके साथ दो रीजन जो थी, पहले तो जो प्लेन हिट हुआ तो वो आर पार चला गया, इसका मेन मकसद यही था, वजह यही थी कि उनकी शीट जो थी वुडन की बनी हुई थी फ्रंट की, जिसके अंदर से वो आर पार जहाज चला गया, और साथ ही साथ स्टील फ्रेमिंग थी जिसकी वजह से फ्यूल जो है उसका जो प्लेन का था वो आग लगी, उसकी वजह से भड़का और वो आग काफ़ी देर तक लगती रही स्टील पे। तो स्टील पे आग लगती रही, ये देखें ये पहले की उसकी है, ठीक है, पिक्चर इस तरह का था रेक्टेंगुलर शेप, और अब जो उन्होंने फिर बनाया वो इस शेप में थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया, यानी कि नीचे उसका रेक्टेंगल जो था वो साइज बड़ा था, ऊपर वो छोटा होता जा रहा था, क्रॉस सेक्शन उसका स्मॉलर होता जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल शेप ही है, नीचे जो साइज है वही ऊपर है, तो ये इसका भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ये देख सकते हैं ये इस तरह जहाज यहाँ से घुसा, ऊपर से टॉप व्यू है ये, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आग जो है लग चुकी है इसके अंदर। और स्टील के अंदर जब आग लगती है आपको पता है स्टील जो है वो बैड इन फायर रेजिस्टेंट होता है, तो वो स्टील चाहे जितना भी अच्छा हो वो 1 से 1.5 घंटा ही उसका बर्दाश्त कर सकता था। तो 1 से 1.5 घंटा तक आग लगती रही, तो उसमें कोई फायर ब्रिगेड वगैरह का इंतजाम नहीं था इतने टॉप फ्लोर पे, और ना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कभी कि इस तरह खामिश होते हैं शायद हो सकती है, तो इसलिए बहरहाल वो जो है ब्लास्ट काफ़ी ख़राब साबित हुआ। तो इसमें इन्होंने ये कुछ सीखा कि इसमें RCC वाल्स नहीं थी, शेयर वाल्स नहीं थी, इसकी वजह से एक फेलियर जो हुआ वो हुआ। दूसरा ये कि स्टील बैड इन फायर रेजिस्टेंट होती है। तीसरा इन्होंने स्टील की फ्रेम और वुड यूज़ किया हुआ था, ठीक हो गया, तो आग काफ़ी देर लगी रही इस वजह से वो टूट गया। तो इसकी ड्राइंग्स जो है वो आप देख लें कि पहले इस तरह और अब इस तरह, तो ये इसकी कुछ ड्राइंग थी। अच्छा इसका मैं बता दूँ कि इन्होंने फाउंडेशन के लिए क्या एग्जाम किया था, इनकी जो फाउंडेशन है, अब ये स्ट्रक्चर इंजीनियर को पता होना चाहिए कि उसकी साइड के इर्द गिर्द कोई पाउंड तो नहीं है, कोई पानी के यानी कि सीपेज नीचे से फाउंडेशन में हो जाए। अगर आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी फाउंडेशन में आने, अच्छी सपोर्ट उस पर SPC चेक कर लें आप, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी सब कुछ चेक हो गया, ओके हो गया, उसके बाद डिजाइन भी आपने बहुत अच्छा किया, देन उसके बाद भी फाउंडेशन फेल हो सकती है। किस वजह से? सिर्फ आपकी एक पॉइंट जो है वो आप भूल जाएं या वो उस पर काउंटर उसको इंक्लूड ना करें। और वो कहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपका इर्द गिर्द इलाका देखें कि उसके इर्द गिर्द इलाके के कोई दरिया, कोई नदी, कुछ पाउंड वगैरह, कोई बड़ा कोई पानी सीपेज तो नहीं हो सकती नीचे से, उसके क्या नीचे वाटर टेबल कहाँ तक है, तो वो सारा उसका इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स में खासतौर पर देख रहा होता। तो इन्होंने जो फाउंडेशन के लिए एक अच्छा एग्जाम किया हुआ था वो ये था, ये इसकी फाउंडेशन अफर्ट करें तो इसके आसपास पूरा इन्होंने एक रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड जो है वो रिटेनिंग वाल कह सकते हैं आप, रिटेनिंग वाल तो नहीं थी, एंकर्ड शेयर वाल कह सकते हैं उसको, एंकर्ड शेयर वाल बनाई थी ताकि पानी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द इसके साथ एक दरिया बह रहा था, ठीक है, दरिया बहता है तो वो दरिया का पानी इसकी फाउंडेशन में आ सकता था, जिसकी वजह से ये जो है वो गिर सकती थी, फाउंडेशन फेल हो सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, ये शेयर वाल इस तरह की एंकर्ड शेयर वाल बनाई और हार्ड स्टेटा में जाकर उसको एंकर्ड किया, ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ इन्होंने बनाया था, और ये चारों तरफ बना दिया ताकि पानी इसके अंदर एंटर ना हो सके। तो ये चीज़ें जो है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को देखना लाजमी होता है, नहीं तो ये बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो बहुत नुकसान होता है और स्ट्रक्चर इंजीनियर पर सारी ये जिम्मेदारी आती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन्होंने अब जो इसकी शेप बनाई वो रेक्टेंगल ऊपर बढ़ती जा रही है, वो क्योंकि उसका मेन मकसद यही था कि हवा को ये
जो है वो काउंटर कर सकें, क्योंकि जितनी बड़ी आप ऊपर जाते हैं हाइट पे, उतनी आपकी हवा का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। हवा का प्रेशर बढ़ने से विंड लोड इस पे लगता है, और जितना इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जितने पे ज्यादा हवा एक्ट करेगी ये उतना डिस्प्लेस होगा, उतने गिरने के चांसेस, फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे इसके, ठीक है। तो उसको बियर करने के लिए आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो ऊपर की तरफ छोटा होता जाता है क्रॉस सेक्शन, और नीचे उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है ताकि वो स्टेबल रहे और उसका एरिया ज्यादा रहे ताकि उसमें ज्यादा लोग एंटर हो सके। तो ये सारा इसमें फिनोमेना देखना पड़ता है, ये आपको मजीद पता होगा। ये देख सकते हैं पहले इन्होंने बिल्कुल रेक्टेंगल शेप बनाई थी, उसके बाद फिर इन्होंने आप ये किया कि इसके फ्लोर पे देख सकते हैं रेक्टेंगल है थोड़ा सा, फिर उसके बाद ऊपर और छोटा हो गया, फिर उसके बाद और छोटा हो गया, फिर उसके बाद और छोटा क्रॉस सेक्शन, देन उसका हाइट पे जाके ये इस तरह की इसके कोने बन गए, शेप बन गए, ठीक है। तो इन्होंने फिर अब जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया वो इस तरह का बनाया है। इन्होंने ये चीज भी सीखी इससे कि हवा का दबाव को भी बचाया जा सकता है। तो इन्होंने काफी कुछ जो है वो न्यू स्ट्रक्चर जो बनाया वो काफी कुछ गलतियां सुधारने के बाद इन्होंने बनाया। अब इसकी मैं आपको प्लान दिखाता हूँ जो अब बनाया है। अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हवा यू जब आती है, ठीक है, फ्रंट पे जो ये पहले वाला टावर था वो बिल्कुल रेक्टेंगल था, बिल्कुल इस शेप का, इसमें ये चांसेस थे कि ऊपर जब हवा लगती थी तो ये मूवमेंट इसकी थोड़ी थोड़ी होती थी, ठीक है, ये अंदर जो बैठे हैं लोग उनको महसूस होता था, ठीक है। तो ये इन्होंने चेक किया कि यहाँ पे विंड जब एक्ट करती है तो विंड यहाँ पे टकराने के बाद इस तरह का कुछ वर्टेक्स बनाती है अपने बैक साइड पे, ठीक है। जब वर्टेक्स बनता है इस तरह का, और वो इस तरह की शेप्स में ही ज्यादातर बनता है, ठीक है, तो वर्टेक्स नहीं बनना चाहिए, वर्टेक्स बनेगा तो ये बहुत आपके लिए जो है नुकसानदेह है, तो ये बिल्डिंग को बहुत बुरे तरीके से गिरा सकती है, तो ये एक फेलियर काज कर सकती है, तो ये वर्टेक्स नहीं बनना चाहिए। और उसको काउंटर करने के लिए, यानी कि ये कहने के जो विंड लोड है उसको रिजिस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह का शेप दिए जाती हैं कि वो ऊपर जाके स्लिम कर देते हैं उसको, थोड़ा उसके क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया जाता है। अच्छा, अब जो न्यू उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है वो मैं उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखा दूँ, ये इस तरह का बनाया है, इसमें देख सकते हैं ये टोटली इन्होंने शेयर वाल दिया। अच्छा, इन्होंने अभी भी इसके अंदर बाहर जो सारी फ्रेमिंग की है वो स्टील की ही की है, लेकिन स्टील कौन सा यूज किया, अब इन्होंने स्टील यूज किया जिसके ऊपर कोटिंग की है, ये पेंट की, ऐसे पेंट की कोटिंग की है जिसमें जो फायर रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो अब इन्होंने मजीद इकदाम जो है वो किए मद्देनजर रखते हुए जो फेलियर हुआ था, ये इन्होंने शेयर वाल रखी है। इसके एंट्रेंस जाहिर सी बात है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, काफी लोग आएंगे तो ये चारों तरफ से इसकी एंट्रेंस है, और ये जिस जो भी एंट्रेंस है उसके सामने एक शेयर वाल है, ये देख सकते हैं सेंटर में इसके कोर पे शेयर वाल इन्होंने रखी हुई है, ये देख सकते हैं ये भी शेयर वाल रखी हुई है, और ये भी जो कि टॉप ऊपर तक जा रही है आपकी बिल्डिंग की। तो ये शेयर वाल इन्होंने सीखा इस चीज से कि आरसीसी जो है शेयर वाल रखना लाजमी है। इसकी वजह से एक तो फायदा ये भी हुआ कि जब ये कोर पे आ जाता है शेयर वाल, मैंने आपको बताया शेयर वाल एक्ट एज अ कॉलम, और ये कॉलम से अच्छा एक्ट करता है, यानी कि आपको फिर कॉलम्स की कम जरूरत पड़ती है, डिजाइन में आपके कॉलम्स भी कम हो जाते हैं, और आपकी कह लें कि स्ट्रक्चर जो है सेफर भी और इकोनॉमिकल भी रहता है ये शेयर वाल का, ये बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। तो ये इन्होंने सीखा, और ये शेयर वाल देख सकते हैं ये चारों तरफ अब इसकी शेयर वाल है, मजीद यहाँ पे भी इन्होंने शेयर वाल रखे हुए हैं। तो ये न्यू इनका स्ट्रक्चर था, ये एंकर्ड रिटेनिंग वाल रखी हुई थी नीचे जो रिवर से वाटर को रोकती थी, डिजाइन ठीक हो गया, ये आपको मैं फाइल दे दूंगा आप देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, अब जो इन्होंने यूज किया शेयर वाल यूज किया और स्टील फ्रेमिंग यूज किए हैं, लेकिन वो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल यूज किया होगा। तो बुर्ज खलीफा की तरफ चलते हैं, हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसके मेन जो था आज हमने केस स्टडी किया कि उसमें क्या रीजन थी और क्या चीजें हमें एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और कितना डीपली इसके लिए एक्सपीरियंस बनना चाहिए होता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का की बात होती है। अच्छा, बुर्ज खलीफा की तरफ आता है, इसमें क्रॉस सेक्शन ही जो है वो इसका वो देख सकते हैं आपके बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हुए वो स्मॉलर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये फिर मैंने वही वजह विंड की कि विंड को आप इसमें तो हम ये इसको विंड को कंफ्यूज करते हैं एक्चुअली कि ये इसके एक्ट जो है वो ना करे और वर्टेक्स फॉर्म ना हो, वी आर नॉट वांट एक्चुअली वर्टेक्स टू फॉर्म ऑन आवर बिल्डिंग बिकॉज वर्टेक्स एक्चुअली एक्चुअली प्रोड्यूस अ डायनेमिक विंड फोर्सेस ऑन आवर स्ट्रक्चर्स एंड डायनेमिक फोर्सेज यू नो कि वो डायनेमिक फोर्स जब भी विंड की एक्ट होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट काज करती है, और उसी डायनेमिक फोर्स की वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल हो सकता है। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपने एक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर व्यू से भी उसको ऐसा डिजाइन करना है कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको विंड कन्फ्यूज कर रहा हो और टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मेन मकसद होना चाहिए, अदरवाइज आपका अर्थ को एक या आप बाकियों के मुताबिक सारा डिजाइन कर लेंगे, लेकिन वर्टेक्स फार्म हो गया एक दफा तो आपकी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो इतना पैसा लगा हुआ वो सारा वर्टेक्स फार्म होने की वजह से क्या होगा, डायनेमिक लोड्स पे आएगा और डायनेमिक विंड लोड क्रिएट होने की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी और वो फेलियर की तरफ जा सकता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसकी मेन मकसद जो है वो ये है कि इसके ऊपर की तरफ जाके देख सकते हैं ये बिल्डिंग नीचे इसका ये ट्रायंगल शेप है, ठीक है, ट्रायंगल शेप एक बेस्ट शेप है, ये भी कंफ्यूज करती है विंड को, टॉप पे जाके आप देख सकते हैं ये छोटा होता जा रहा है टू ओनली टू कन्फ्यूज द विंड एंड डोंट वांट वर्टेक्स टू फॉर्म। अच्छा, ये इसकी बेसमेंट देख सकते हैं, बेसमेंट ये कुछ इस तरह की, ये टोटली आप कह सकते हैं एक शेयर वाल है, ये स्केलेटन है, ठीक है, हमारे शेयर वाल ये देख सकते हैं, ये एक्चुअल स्केलेटन ऑफ शेयर वाल
यूज्ड इन जद्दा टावर। ठीक है, ये जद्दा टावर जो है हमारा, उसके अंदर ये इस तरह का स्केलेटन यूज किया, ये देख सकते हैं टोटली रेक्टेंगल में है और ये टोटली रेनफोर्स्ड है, आरसीसी शेयर वॉल स्केलेटन कह सकते हैं इसको। और ये इन्होंने एक समझ लिया कि कोर के तौर पे यूज किया, तो ये एक बहुत स्ट्रेंथ है इसकी, और इसमें कॉलम्स भी आपके बहुत रिड्यूस हो गए होंगे, तो ये बहुत एक इकोनॉमिकल और सेफर स्ट्रक्चर होता है जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे इसकी ये राफ्ट फाउंडेशन है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें इन्होंने राफ्ट फाउंडेशन यूज किया है, और ये सेंटर पे मैंने आपको बताया पहले भी पिछली वीडियो में, मैंने बताया इसकी फाउंडेशन में कि ये सेंटर पे इन्होंने मैक्सिमम डेप्थ क्यों की है, देख सकते हैं ये इसकी यूजली राफ्ट फाउंडेशन यूज की और फिर इन्होंने पाइल्स भी यूज की। राफ्ट फाउंडेशन आपने यूज की जब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा की होती है, जब आप 1 किलोमीटर से ज्यादा हाइट अटेन करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो मैं क्या सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है आपको प्रेफर करते हैं कि आप पाइल्स की तरफ करें, और पाइल्स प्लस राफ्ट फाउंडेशन एक अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है, ताकि पाइल्स पे भी इतना खर्चा ना आए, क्योंकि पाइल्स जो है वो काफी कॉस्टली पड़ सकती है आपको, लेकिन यह है कि स्ट्रक्चर को भी देखना है आपने, सेफ बनाना है, तो उसके लिए पाइल्स जरूरी है। राफ्ट प्लस पाइल फाउंडेशन इन्होंने यूज की, और इधर जो है कुछ लोड जो था वो पाइल राफ्ट फाउंडेशन ने बर्दाश्त किया, और उसके बाद कुछ जो लोड आ रहा था वो स्किन फ्रिक्शन के जरिए पाइल फाउंडेशन ने बियर किया। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं सेंटर पे कोर जो इसका सेंटर है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं डेप्थ भी ज्यादा है राफ्ट फाउंडेशन की बनिस्बत दूसरी रेक्टेंगल कोर्डर्स की निस्बत, और यहाँ पे पाइल्स की डेप्थ भी ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आपकी जो पंचिंग शेयर है ना, पंचिंग शेयर जहाँ पे ज्यादा होती है, पंचिंग शेयर एक फेलियर है, ठीक है, फाउंडेशन का, ये पंचिंग शेयर वहां ज्यादा होती है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर पंच करता है अंदर की तरफ, शेयर फेलियर कह सकते हैं उसको, सॉइल के अंदर घुसने धंसने की कोशिश करता है, वो तब करता है जब उसके पे लोड बहुत ज्यादा आ रहा हो, ठीक है, ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम लोड आने के चांसेस किधर है, सबसे ज्यादा लोड किधर आ सकता है, बिल्कुल सेंटर में आ सकता है, क्योंकि देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो एक सेंटर के ऊपर है, ठीक है, एक कोर पे है, तो सेंटर पे ज्यादा मैक्सिमम लोड आता था, तो इसलिए उसने डिजाइनर ने यहाँ पे डेप्थ इसकी राफ्ट की भी ज्यादा रखी और पाइल की भी ज्यादा रखी। तो ये अकॉर्डिंग टू डिजाइन है, डिजाइन किया होगा तो प्रॉपरली उसको पता लगा होगा कि ये इसके मुताबिक करना है, तो वो जाके डिजाइन पास हुआ तो उसने फाउंडेशन बनवाई। तो ये चीजें भी आपने लास्ट में डिजाइन करते हुए फाउंडेशन की वो देखनी होती है। तो इंशाल्लाह हम राफ्ट प्लस पाइल फाउंडेशन जो है उसका डिजाइन भी देखेंगे। तो पहले हमने डिजाइन देखे राफ्ट के, डिजाइन देखे पाइल के, तो इंशाल्लाह हम दोनों का भी डिजाइन देखेंगे ई टैब में और फ्लैट प्रो में, RCDC सॉफ्टवेयर में भी इंशाल्लाह हम इसका डिजाइन देखेंगे। तो ये मैं मेन इसका जो है वो थिकनेस बेसमेंट पे क्यों ज्यादा है, सेंटर ऑफ फुटिंग पे ज्यादा क्यों है, तो ये सारा। अच्छा, इन्होंने ब्लास्ट रेजिस्टेंस के लिए जो है वो नो थिक कॉलम ग्राउंड फ्लोर पे और शेयर वॉल यूज की, जो कि कह सकते हैं कि एक आपके लिए हिंट हो गया कि ब्लास्ट रेजिस्टेंस जब भी आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, या फायर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए शेयर वॉल मस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सीखा वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी, और यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं हाई रेज बिल्डिंग में ये बनती ही बनती है। तो ये आप समझ लें कि एक हिंट के तौर पर एज स्ट्रक्चर इंजीनियर आपके पास ये एक्सपीरियंस बंद होगा कि बात है कि स्ट्रक्चर शेयर वॉल जरूरी है एक हाई रेज बिल्डिंग में, तो वो ब्लास्ट रेजिस्टेंस भी होती है बिल्डिंग, ठीक हो गया। और उसमें आप ग्राउंड फ्लोर पर चाहें तो थिक कॉलम का यूज भी कर सकते हैं और राफ्ट प्लस पाइप फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो ये जब आपकी 1 किलोमीटर से ज्यादा जब हाइट हो जाए तो आप समझ लें आपकी ये वाली आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने सबसे एंड में अप्लाई करना है, लेकिन आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए लाजमी ये चीजें करनी होती है एज अ स्ट्रक्चर डिजाइन। अच्छा, वाई थिक बेसमेंट पे थिक ज्यादा क्यों है? क्योंकि पंचिंग शेयर होती है मैक्सिमम जहाँ पे लोड ज्यादा होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसकी भी ऑटोमेटिक। अच्छा, इसमें इन्होंने जो बुर्ज खलीफा बना वो इतनी हाई रेज बिल्डिंग बनी, लोग सोचते हैं कैसे बनी होगी, तो उसके लिए ऑटोमेटिक लिफ्टेड जो फॉर्म वर्क है वो शटरिंग टाइप वो यूज होती है, तो वो ऑटोमेटिकली एक बना फ्लोर बनाने के बाद ऊपर शिफ्ट हो जाती है, उसमें नॉर्मली जो मैकेनिकली यूज होते हैं वो चीजें यूज नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली वो एडवांस फॉर्म वर्क टाइम है तो वो यूज होते हैं इस चीज के लिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अच्छा, मेन इसमें आपने जो देखना है वो किस साइज, अब इसमें आपने पिछले में हमने सॉइल SBC देखा था कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो टेस्ट है वो किस तरह की जाती है और वो क्यों किया जाता है, ठीक है। अब वो हम करते हैं साइज ऑफ फुटिंग डिसाइड करने के लिए, क्योंकि SBC वैल्यू हम निकालेंगे कि कितना बर्दाश्त कर सकती है ये सॉइल, उसके हिसाब से हम उस फुटिंग की का साइज डिसाइड करेंगे कि कितने बाय कितने की हम रख सकते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ डिसाइड करने के लिए हमें किस फैक्टर को देखना होता है, हमें उसका लोड देखना होता है जो उसके ऊपर आना है, आप लोड भी कह सकते हैं उसको, या फिर फाउंडेशन के लफ्जों में उसको आप पंचिंग शेयर का नाम भी दे सकते हैं कि उस पर कितना लोड आ रहा है और कितना उसमें पंचिंग शेयर हो सकता है, उस लोड की वजह से कितना फेलियर उसमें पंचिंग शेयर की वजह से आ सकता है, तो उसके अगेंस्ट उसकी डेप्थ को इंक्रीज किया जाता है कि इसमें अगर फेलियर के चांसेस ज्यादा है तो डेप्थ इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि इसमें जद्दा टावर की इन्होंने फाउंडेशन में किया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्होंने सेंटर में इन्होंने डेप्थ ये ज्यादा कर दी फाउंडेशन की, ये इसीलिए की कि इसमें पंचिंग शेयर या ऊपर से जो अपकमिंग फोर्सेस थी वो ज्यादा आ रही थी सेंटर पे बाकियों के नस्बत, ठीक है।
तो जहाँ आपकी पंचिंग शेयर या मैक्सिमम फोर्सेज अपकमिंग वर्टिकल फोर्सेज आ रही होंगी वहाँ पे आपकी डेप्थ फुटिंग डिसाइड की जाएगी, और एसबीसी की वैल्यू हमेशा साइज ऑफ फुटिंग ही डिसाइड करेगी। तो ये दो पॉइंट जो है आपको ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो है एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर इंजीनियर उनके फ्रेंड जो है वो डिस्कस किए। अब सो आपको कुछ समझ लगी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।